इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ एक चिट्ठी कहते ना कैसे बनाएगा आपका हर बिगड़ा काम, आपकी कैसे करेगी हर मुराद पूरी, कैसे करेगी हर इच्छा पूरी। आपकी कितनी बड़ी समस्या है देखो वो मैं नहीं जानती, है ना। इतना मैं जरूर जानती हूँ कि जो चीज आज आपको बताने जा रही हूँ अगर आप कर लिए, अगर आप कल की चीज जो आज बताने जा रही हूँ कर लिए, आपको कोई ताकत कोई दशा आपको रोक नहीं सकती। 100% नहीं 10,000% हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। मेरी के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों। मैं ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एक तो पहली चीज़ ये आपको बहुत पुराना दिख भी रहा होगा, ये आज का नहीं है। आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ ये 2010 की बारे में बात है। ऐसा बात नहीं है जैसे मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपको पता चल सके कि बहुत चीज़ों में बहुत शक्ति होती है। जैसे हमने ना बहुत मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि हमने वर्स्ट टाइम देखा है ना, और बिजली पानी भी कटा हुआ, फादर मिसिंग, रोड पे, वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। फिर मैंने कुछ चीज़ें काम करना शुरू किया है ना, मम्मी ने मेरे साथ हम दोनों ने मिलके, मैंने स्टडीज़ छोड़ दी ऐसे ऐसे करके, हम लोग दिल्ली में थे आपको पता ही है सबको। तो मतलब कहने का मतलब फिर हम बॉम्बे आए, मतलब हमारे पास 2010 की बात है रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। एक सो कॉल्ड रिश्तेदार से हमने 10,000 मांगे थे कि वो दे दो, वो भी मना कर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग इतने ज़्यादा मेजर खाने को, मतलब ऐसा नहीं है, कहते हैं ना हमारी स्थितियाँ बेटर हुई हैं फिर उसके बाद स्ट्रगल्स आई हैं फिर बेटर हुई हैं, तो झटके हमेशा लाइफ में एक रहे हैं, है ना। अब तो ऊपर वाले की मेहर है। लेकिन एक मैं बात आपको बता रही हूँ, तो ना तब नवरात्रे चल रहे थे, है ना। मैंने कि पिछले साल भी उपाय बताया था, ये आपको मैं जो दिल से चाहती हूँ, आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता जिनको भी मान सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मतलब ऐसे करके कल माँ कात्यायनी का दिन है, जिनके भी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है, वैवाहिक समस्याएं बहुत है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो भी है ना, आज मैं क्या चाहती हूँ आप क्या करो, एक लाल पेन से, कहते हैं ना एक कागज़ ले लो, एक कोरा कागज़ कोई भी ले लो, लाइनों वाला ले लो, मैंने तो लाइनों वाला तब लिया था, उसके ऊपर दुम दुर्गाय नमः लाल कलर के पेन से, लाल स्याही से, ओ दुम दुर्गाय नमः 1100 बारी जब ये लिखोगे, अपनी चीज़ अपनी मनोकामना अपने मन में रखकर अपने दिल में उतार के माँ ये मेरा, ये मैं हमारी सच में आपको क्या ही बताऊं, है ना। इसलिए मेरे को जब मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ लोग छोटी छोटी चीज़ में इतना घबरा पड़ पा जाते हैं, मैं क्या उनको बताऊं। मैंने आज तक ये कंसल्टेशन ही करी जिसने हमारे जैसे बदतर टाइम देखा है, कसम से आपको बोलूं कब क्या कैसे कैसे चमत्कार होते जाते हैं, आज तक नहीं पता, आज तक नहीं पता, सच कह रही मान के चलो। तो अपने मन में वो चीज़ रख के दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः जो भी इच्छा है वो 1100 बारी करके दिन में 3 बार का समय लेकर लो, एक बार में नहीं कर सकते, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, 3 बार कर लो, 2 बार कर लो, ऐसे करके माँ को ही अपने सामने चिट्ठी, मैं कहती अपनी इच्छा भी पीछे लिख दो, अपनी समस्या लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और उनके माँ के चरणों पर रख दो। अब जब वो सॉल्व हो जाए, जब वो चीज़ पूरी हो जाए, तो उस कागज़ को, इस कागज़ को आपने जब आप हवन करते हो, मैंने आपको हवन का बताया ये ओम है ग्रिंकलिंग नमः चंडिकाय स्वाहा कर करके, है ना। तो लास्ट में इस जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसको प्रज्वलित कर दो। अब आप बोलोगे आपने तो प्रज्वलित नहीं किया क्योंकि 2010 आई थिंक 11 है ना, उसके बाद से कहते ना आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको बोलूं जहाँ पर एक खुद खाने के पैसे नहीं थे, है ना, मतलब खुद सरवाइव कर सके, आज एक दिन में कहते ना इतने हजारों का खाना का जिम्मेवारी हम ले पाए, सीधी फैक्ट है, ये फैक्ट है।
तो ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसको मैंने नहीं वो प्रज्वलित किया कि ये एक तरह का मेरा लकी चार्म कह लो, ये एक तरह का मेरे लिए कोई कह लो, इस चीज़ को मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और इसको मैं नहीं छोड़ती अपने पास से, सीधी बात है ना। तो ये चीज़ आप करो। दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, वैसे कल तो मैं वीडियो बनाऊंगी जो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मेरे को आपसे करानी है, वो कल रात को ही होएगी, तो कल सुबह वो वीडियो डालूंगी। 7 गोमती चक्र 7 कौड़ियाँ लेकर रखना और 2 जोड़े नाग केसर के लेके रखना। बाकी वो कैसे क्या चीज़ करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो कल की वीडियो में बताऊंगी। कल लेकिन माँ कात्यायनी का दिन है ना। सुबह आपने सेम प्रोसीजर ना, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय स्वाहा। माँ कात्यायनी, जिन लोगों के भी वैवाहिक समस्याएं बढ़े जा रही हैं, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गया तो निभने में दिक्कत, मैं कहती माँ कात्यायनी का पीछा मत छोड़ो, उनका पकड़ के रखो चरण। और अगर आप उनको ध्यान करते हो, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, सुबह मैं कहती 2 माला 5 माला 6 माला 1 माला, तो उनका अपने आज्ञा चक्र पे वो कहते ना ध्यान करके जप कर ही लेना। बाकी जो चीज़ आपने कल करनी है मैं अभी से ही बता देती हूँ, जिनको क्या कहते हैं बीमारी के लिए करना है सफ़ेद कपड़ा भी रखना, और क्या कहते हैं जो धन के लिए करेंगे पीला कपड़ा खरीद के रखना, और जो विवाह के लिए करेंगे तो आपने लाल कपड़ा खरीद के रखना। ये चीज़ करो, कल की वीडियो में बताऊंगी। दूसरे चैनल पे भी एक दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी कल के लिए, आप कल क्या करोगे, कल बृहस्पतिवार भी है, इतना ज़बरदस्त वो उस चैनल पे बताती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आज इसको कर लेना है कि नहीं है ना, पक्की बात है, ज़बरदस्त वैसे काम करेगा, ये मेरा मैंने देखा है है ना। ठीक है बादशाह लोगो, मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है क्या कहते हैं 4th वीक ऑफ अप्रैल को है, अपने चक्रास को हील करो है ना, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बन जाएगी जिसकी कोई हद बात नहीं, और ये फैक्ट है। जिन्होंने किया है वो मैं क्लिपिंग्स दिखाऊंगी, इट्स ब्यूटीफुल। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, लाल किताब रेमेडीज की रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो जिनको भी कंसल्टेशन भी चाहिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।